धन्यवाद करूंगी सभी टैक्सी यूनियन और यहाँ पे बैठे हुए 13 दिन से सभी भूख हड़ताल आंदोलनकारियों का। और यहाँ पे सर्वप्रथम मेरी ग्राम सभा की महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों का, जो मेरी ग्राम सभा ने मेरा पूरा समर्थन देके आज इस जन रैली का महायोजन समर्थन करके मेरा पूरा सहयोग और साथ दिया है, मैं अपनी पूरी ग्राम सभा का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं ग्राम सभा भेटी से श्रीमती मनीषा कठेर, वाइफ ऑफ सुरेंद्र सिंह कठेर, ग्राम प्रधान हूँ। और मेरी माताएं बहने जिस प्रकार से हम लोगों ने 49वां दिन आंदोलन का और 13वां दिन भूख हड़ताल का समर्थन दिया है, उसी प्रकार से हम आगे भी समर्थन देते रहेंगे। और मैं यहाँ पे हमारे बाहर से आए हुए सभी आंदोलनकारियों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो श्रीनगर से आए हुए हैं और सभी दूर दराजों से आए हुए हैं। और हमारे भूख हड़तालकारी यहाँ पे हैं, हमारे महावीर सिंह नेगी जी ग्राम उस्तोली, ग्राम प्रधान उस्तोली के हैं, और हमारे श्री दिनेश सिंह नेगी जी ग्राम प्रधान बंगाली के, भूतपूर्व ग्राम प्रधान बंगाली के प्रतिनिधित्व में, और मेरे पति सुरेंद्र सिंह कठेर जी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे 13वां दिन से भूख हड़ताल पे जारी, आज 8वां दिन भूख हड़ताल जारी है। और आज से हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले से हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई चरण सिंह नेगी जी और यहाँ पे प्रधान श्री हरेंद्र सिंह खत्री जी ग्राम प्रधान चाका कोठा से, और आज से सुरेंद्र सिंह रावत सामाजिक कार्यकर्ता वादू से, और कनिष्ठ प्रमुख हमारे भरत सिंह नेगी जी, मैं सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो आप लोगों ने हमारी क्षेत्रीय एकता को बनाए रखा है और हमारी क्षेत्रीय एकता का इतना सहयोग बनाए रखा है। क्योंकि जब हमारी क्षेत्रीय एकता होगी तभी हमारा विकास होगा। और यहाँ पे ये 4-5 लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि 5-6 दिन के बाद सभी लोग अपनी पालियां बदलते रहे, क्योंकि हमारी क्षेत्र एकता हमारा समर्थन करेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हमारे न्याय की जागरूकता को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाएंगे तभी जब हम में एक जज्बा होगा और ऊर्जा होगी। क्योंकि हम अपने काम से ही मतलब रखेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जिन भाइयों ने यहाँ पे क्षेत्र के विकास के लिए जागरूकता प्रदान की है, जिन्होंने इतना बेड़ा उठाया है, क्या उन्हीं लोगों के लिए ये सड़क नहीं बनेगी? हमारी पूरी जनता के लिए बनेगी, हमारे सभी ग्राम सभा जिला की सारी ग्राम सभाओं के लिए बनेगी। जो ये रोड बनेगी इससे लाभान्वित हमारी 56 ग्राम सभाएं होंगी। तो क्यों ना हम सभी माताएं बहने और हमारे सभी भाई इसमें प्रतिभाग लें और समर्थन दें। क्या इन भूख हड़तालों के जो इनको 6-8 दिन हो चुके हैं, क्यों ना हम भी अपनी पालियां बदलते रहे? क्योंकि अगर एक भी आदमी 15-20 दिन तक बैठा रहेगा तो उसकी तबीयत में बहुत खराबी हो सकती है, इसीलिए हम अपना समर्थन देंगे। तो मेरी सभी माताओं बहनों से सभी से अनुरोध है, और मैं एक बार पुनः सभी ग्राम सभा से आए हुए माताओं बहनों युवा शक्ति लोग की जो एकता रहेगी, तो आज के बाद जो भी कहीं रोड सड़क के मामले में है, कभी किसान आंदोलन है, तो हमारे जो शासनिक प्रतिनिधि है जागरूक रहेंगे, क्योंकि वो हमारी एकता को देखेंगे तो उनमें एक जागरूकता आएगी। क्योंकि हमारे शासनीय प्रतिनिधि तो अभी सोए हुए हैं, उन 50वां दिन कम नहीं होता है, जन आंदोलन का एक 49वां दिन कम नहीं होता है, जिसपे हमारे सभी भाइयों ने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। और इस बेड़े में हम उनका साथ नहीं दे सकते तो हम में तो धिक्कार है, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय एकता में धिक्कार है। हमारे आज के बाद भी हमारी जन रैली चलती रहेगी, और मेरी सभी माताओं बहनों से यही अनुरोध है कि हम प्रत्येक दिन जन रैली का समर्थन करेंगे। और घाट ब्लॉक में अपनी समर्थनकारियों बहनों भाइयों से मेरा अनुरोध है कि सही इन लोगों का समर्थन करते रहे जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उन लोगों को ऊर्जा प्रदान होगी, उन्हें साहस मिलेगा, हमें भी एक आगे, आज हम प्रधान हैं, कल के दिन हम चाहे कुछ हो ना हो लेकिन समाज में हमारा नाम रहेगा, हम सभी माताओं बहनों का नाम रहेगा, हमने हमेशा घास ही काटा है, क्यों ना हम अपनी सीढ़ी को आगे बढ़ाएं और सामना करें उन प्रतिनिधियों का कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि सिर्फ मर्द ही बैठ सकते हैं, लेकिन अभी महिलाओं की ताकत नहीं देखी किसी ने। अगर